सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक का, इसको भी देख लो ध्यान से, ये भी इजी है, आप लोग कर दोगे। कैसे हमसे कह रहा है, फिगर ये दे रखा आपके सामने, आपसे कह रहा है द कर्व पोर्शन इज अ सेमी सर्क्यूलर आर्क। ये जो कर्व पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक आर्क है, ठीक है, सेमी सर्क्यूलर आर्क। और बाकी ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये भी एक स्ट्रेट वायर है, और यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट वायर है, और इन दोनों वायर के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। अगर ध्यान दो तो डी ये भी होगा जो कि डायमीटर का काम कर रहा होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, ठीक है। हमसे कह रहा है कि पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना मतलब यहाँ पर, तो ज़बरदस्त बात है। आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से हो सकता है, तो एक तो हो सकता है इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर, क्योंकि इस वायर के साइड में है ये वाला पॉइंट, और इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर, और इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर। तो तीन मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बी वन कह दो, इसकी वजह से जो होगा उसको बी टू कह दो, एंड इसकी वजह से जो होगा उसको बी थ्री कह दो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पर दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो आप इसको बी वन कहोगे। अब मुझे बताओ स्ट्रेट वायर के एंड पर, एंड पॉइंट पर, मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रेट वायर के एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πR, ये होता है, ठीक है। मिड पॉइंट पर क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2πR। फिलहाल आपके पास ये एक स्ट्रेट वायर है, तो ये स्ट्रेट वायर का एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो ये आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये R, तो पूरी D है, R जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, मतलब डी बाई टू। जबरदस्त बात। तो आपके लिए क्या क्या चाहिए स्ट्रेट वायर से, म्यू नोट करंट अपॉन 4πR, और वो डिस्टेंस जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब R, तो आप लगा देंगे B इज इक्वल टू म्यू नोट, करंट कितनी जा रही है इसके अंदर से I अपॉन 4πR, और R कितना है डी बाई टू, डी बाई टू, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 4 जो है 2 टाइम्स कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट इन टू आई अपॉन 2πD। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, करंट जा रही है इस तरफ को, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर को आएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अपवर्ड, कैसा आएगा अपवर्ड, ठीक है। इतना होने के बाद सिमिलरली आप बी टू निकालोगे, लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली आपको बी टू निकालना, बी टू कितना हो जाएगा, बी टू ए यहाँ लिखते हैं, बी टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट इन टू आई, क्योंकि बी टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर के, तो ये यहाँ पर देखो इसका भी तो ये एंड पॉइंट है बेचारे का, तो ये भी R इज इक्वल टू डी वाई टू का काम कर रही होगी डिस्टेंस, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सेम निकल कर आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πD। डायरेक्शन बताओ, करंट ऐसे जा रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इसका भी अपवर्ड आएगा, क्योंकि ये O पॉइंट जो है वो वायर से इधर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होता है ना वायर के चारों तरफ, तो यहाँ आपको देखना है यहाँ पर, ए यहाँ पर देखना ऊपर की तरफ है, तो जब ऊपर की तरफ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, देखो ऐसे लूप बना रही होगी, तो यहाँ आकर रुको, डायरेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो मतलब अपवर्ड, तो ये भी अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया अपवर्ड। अब आप निकालोगे इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, तो सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर वो कितना होगा। अब मुझे बताओ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, R जो है वो रेडियस है, तो यहाँ पर R जो है रेडियस वो कितना होगी, डी वाई टू का काम कर रही होगी, क्योंकि डायमीटर D है तो रेडियस डी वाई टू हो जाएगी, तो आप कहोगे बी थ्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R। अब आपको पता है R क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस R है, मतलब रेडियस R है सेंटर तक की, तो R, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है।
बस खत्म, आपको आर की वैल्यू पुट कर देनी है म्यू नोट आई अपॉन फोर, आर की वैल्यू कितनी है डी बाई टू, इन टर्म्स ऑफ डी लिखना ना आपको, तो टू से फोर टू टाइम्स कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन टू डी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा, आपको पता है कि करंट जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर रखो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर रखो, पॉइंट ओ इस तरफ है, फिंगर्स को घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो अपवर्ड आएगी, क्योंकि आपको पता ना वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्कुलर लूप की तरह होता है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखो अपवर्ड, इस तरफ को देखो मेरी फिंगर को देखो अपवर्ड, ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इसको आप कर दोगे अपवर्ड, ठीक है। अब देखो तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, बी वन बी, बी टू बी एंड बी थ्री बी, तीनों मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होने की वजह से जो बी नेट आ जाएगा वो तीनों का एडिशन आ जाएगा, तीनों एक ही दिशा में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीनों का एडिशन। अब तीनों को मैं ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी, देखो ये म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी पहले लिख लो, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी प्लस म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी प्लस बी थ्री जो निकल कर आया वो आया है म्यू नोट आई अपॉन टू डी, ठीक है टू डी, ये सेपरेशन। अब यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर दी, अब देखो दोनों सेम है, ये म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी, म्यू नोट आई अपॉन टू पाई डी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो म्यू नोट अपॉन पाई डी उसका हाफ प्लस म्यू नोट अपॉन पाई डी उसका हाफ, तो हाफ प्लस हाफ मतलब पूरा, तो पूरे को आप इस तरह से दिखाते हो बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन पाई डी, ये हो गया प्लस म्यू नोट आई अपॉन टू डी, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब देखो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, बाकी सॉल्व हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई दोनों के पास आपने कॉमन ले लिया, इसके पास भी डी है इसके पास भी डी है, तो डी कॉमन ले लो साथ में टू के साथ, तो टू डी कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये म्यू नोट आई अपॉन टू डी पूरा का पूरा बाहर यहाँ हो जाएगा वन प्लस, यहाँ से म्यू नोट आई अपॉन पाई डी, तो पाई तो यहीं रह जाएगा डी बाहर चला जाएगा, लेकिन इसके पास टू नहीं था नीचे, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती टू कॉमन ले लिया, तो आप ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर दोगे बैलेंस के लिए, ठीक है बैलेंस के लिए आपने ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, प्रूफ तो खैर नहीं था, हमसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, यही आपका आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आ जाएगी वो आएगी अपवर्ड, क्या आएगी अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्टिल किसी को डाउट है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पहली बात तो न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट समझने का काम आपका था, नहीं समझे आपकी दिक्कत, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं कॉन्सेप्टों को डिस्कस करता हूँ, क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ, तो ये फायदा है हमारे न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने से कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर मज़ा नहीं आया होगा क्वेश्चन में तो भाई क्वेश्चन को दोबारा देखो, मज़ा आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है।